दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो 2018 में मैनेजमेंट सब्जेक्ट से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में 28 अप्रैल 2018 के एग्जाम में। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार है, एक निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार पितिदेय एक व्यवसाय इस रूप में जाना जाता है, ए ब्रांड, बी आवधिक कर्ज, सी स्टॉक, डी प्रतिभूति। इसका जो बी ऑप्शन है आवधिक कर्ज बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। दोस्तों इसी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पटवारी के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। दूसरा, एक कर्मचारी क्या कार्य करता है, यह कैसे किया जाता है और कार्य करने की परिस्थितियां क्या है के बारे में एक लिखित विवरण निम्न रूप में जाना जाता है। इसका ए है कार्य अभिकल्पन, बी कार्य विवरण, सी कार्य, डी कार्य अभिप्रेरणा। इसका जो बी ऑप्शन है कार्य के विवरण के बारे में जाना जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा, वह अपने कार्य का विवरण देता है लिखकर, इसलिए बी ऑप्शन है। इसके बाद तीसरा, निम्नलिखित में से किस लेखा अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक इकाई भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन करना जारी रखेगी। इसका जो ए ऑप्शन है आर्थिक इकाई अवधारणा, बी सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा पूछा गया, सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली मूर्त वस्तुओं को निम्न कहा जाता है, मूर्त वस्तुओं को आपूर्ति कहा जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया पांचवा, 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वह युग जिसे अर्थव्यवस्था में व्यापार संचालनों पर प्रतिबंधों के कम करने और निजीकरण का विस्तार करने द्वारा अभिलक्षित किया गया है निम्न कहलाता है, वह कहलाता है उदारीकरण, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद छठवां पूछा गया, संगठन आत्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्षमता निम्न कहलाती है। संगठन आत्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब कोई व्यक्ति लोगों को प्रभावित करता है तो वह क्षमता कहलाती है, नेतृत्व क्षमता कहलाती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा नेतृत्व। इसके बाद सातवां, एक उत्पाद के लिए कंटेनर की डिजाइनिंग और उत्पादन की गतिविधियों को इस नाम से जाना जाता है, डिब्बा बंदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इसके बाद आठवां पूछा गया, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उत्पाद को बनाने हेतु जिम्मेदार स्वतंत्र संगठनों के सेट को निम्न कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन है पूर्तिकर्ता, बी फुटकर विक्रेता,
सी मार्केटिंग चैनल्स, डी बिक्री प्रबंधकों। इसका जो सी ऑप्शन है मार्केटिंग चैनल्स कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद नौवां, दो या दो से अधिक कंपनियों का एक संयोजन जिसमें सम्मिलित होने वाली संस्थाएं अपनी पहचान खो देती हैं को इस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है बिलियन, यानी कि सी ऑप्शन सही है, बिलियन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दसवां, सभी व्यक्तियों निगमों एवं सरकार द्वारा देश के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को कहा जाता है। ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इसके बाद ग्यारहवां, एक विशेष जरूरत को संतुष्ट करने के लिए एक निर्दिष्ट वस्तु के लिए निर्देशित इच्छा जो इसके लिए भुगतान करने की क्षमता से समर्थित है निम्न रूप में जाना जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है आवश्यकता, बी निर्धारित आवश्यकता, सी मांग, डी जरूरत। इसका जो सी ऑप्शन है उसे मांग के रूप में जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बारहवां, नकदी उपकरण और अन्य ऐसे संसाधन जो एक इकाई के मालिक है और इसके संचालन के लिए इस्तेमाल करते हैं निम्न कहलाते हैं, यानी कि परिसंपत्ति कहलाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है, परिसंपत्ति। इसके बाद तेरहवां, उच्च बाजार शेयर और उच्च बाजार विकास दर के साथ पोर्टफोलियो में उत्पाद को निम्न रूप से जाना जाता है। इसका जो डी ऑप्शन है स्टार के रूप में जाना जाता है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद चौदहवां, लोक राजस्व व्यय और ऋण से संबंधित की नीति का नाम से जाना जाता है, राजकोषीय नीति, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, राजकोषीय नीति। इसके बाद अगला पूछा गया पंद्रहवां, प्रबंधन का परिपेक्ष जो कार्यस्थल एवं सामाजिक अन्योन क्रिया में लोगों के व्यवहार जरूरत एवं अभिवृत्ति को समझने के महत्व पर बल देता है कहलाता है, वह कहलाता है मानवतावादी परिक्षेप, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया सोलहवां, समाजवादी देशों के द्वारा अनुगमन करने वाली आर्थिक, जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाता है, निम्न में से कहलाती है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जहां पर आर्थिक और सामाजिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया जाता है, इसलिए दोनों का मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया सत्रहवां, साथियों एवं सहकर्मियों के बीच संदेशों का पार्श्व या विकरण विनिमय जिसमें टीम संचार भी शामिल होता है निम्न में से कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन होगा, समस्त स्त्रीय संचार, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अठारहवां पूछा गया मौजूदा एवं
9 कर्मचारियों को अपनी नौकरी का प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। प्रशिक्षण यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला है 19वां, एक नौकरी से दूसरे में व्यवस्थित रूप से चल रहे श्रमिकों की प्रक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है, कार्य आवंटन यानी कि डी ऑप्शन सही है, कार्य आवंटन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 20, प्रबंधन कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों से संबंधित होते हैं अपने लक्ष्य की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं निम्न कहलाते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है उन्हें हम नियंत्रण कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही है, नियंत्रण। इसके बाद 21, एक ऐसा उद्यम जो कम से कम देशों में उत्पादन संस्थानों का प्रबंधन करता है अथवा सेवाएं प्रदान करता है निम्न कहलाता है, बहुस्तरीय निगम यानी कि ए ऑप्शन सही है, बहुस्तरीय निगम। इसके बाद 22, संगठन के अंतर्गत एक अनौपचारिक संचार नेटवर्क जो कार्यस्थल की गपशप को पहुंचाते हैं निम्न कहलाते हैं, ए ऑप्शन ऊर्ध्वमुखी संचार, बी समस्तीय संचार, सी अधोमुखी संचार, डी जनप्रवाद। इसका जो डी ऑप्शन है जनप्रवाद बिल्कुल सही है। इसके बाद 23, दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह जो एक समान लक्ष्य जिसके लिए वे एक साथ प्रतिबद्ध हुए हैं को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों पर बातचीत और समन्वय करते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं, वह टीम कहलाती है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 24, एक प्रमाण पत्र जो उसके धारक को परिपक्वता तिथि पर कुल विनिर्दिष्ट राशि और तब तक लगने वाला ब्याज अदा करने का वचन देता है निम्न कहलाता है, वह कहलाता है बंध, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बंध बिल्कुल सही है। इसके बाद 25, एक प्रकार का संघर्ष प्रबंधन जिसमें लोग पारस्परिक लाभ चर्चाओं में संलग्न होते हैं और एक संयुक्त निर्णय तक पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं जो कि दोनों पक्षों को स्वीकार हो, उसे इस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है संधि वार्ता के नाम से, यानी कि जब दोनों पक्ष स्वीकार हो जाते हैं एक दूसरे के विचारों को तो उन्हें संधि वार्ता कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस प्रकार 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में 28 अप्रैल 2018 को एग्जाम हुआ था और पटवारी में भी मैनेजमेंट से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जो इसी क्वेश्चन पेपर से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। अगर आपने हमारे मैनेजमेंट के सभी वीडियो देख लिए तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में, 25 से कम 24 नंबर आएंगे पटवारी के एग्जाम में। इसलिए आप लोगों से एक ही विनती है, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।